दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो पिछले साल आईपीएल फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक दूसरे के साथ भिड़ी थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस मुकाबले में ऋषभ पंत की टीम ने मुंबई इंडियंस को घुटनों पर झुकाकर अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर लिया था। लेकिन दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत ने किस तरह से इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाई, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन साथ ही बताएंगे रोहित शर्मा ने टीम की हार के कारण क्या बताए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में किस खिलाड़ी की वजह से हारी है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें सीजन का 46वां मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाहजहां में खेला गया। इस मैच का टॉस जीता था कप्तान ऋषभ पंत ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों, दिल्ली कैपिटल के लिहाज से यह फैसला टीम के पक्ष में रहा, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन ही बना पाई। रोहित शर्मा और पोलार्ड और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। लेकिन दोस्तों, जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की शुरुआत मुकाबले में अच्छी नहीं रही। पहले शिखर धवन जल्दी आउट हो गए और उसके बाद पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 6 रन ही बनाए और उसके बाद तो विकेटों का पतझड़ सा लग गया। स्टीवन स्मिथ 9 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत 26 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन मुकाबला तो रोमांचक हो चुका था। लेकिन श्रेयस अय्यर और अश्विन ने अंत तक मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, वहीं शर्मनाक हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी टीम की हार का कारण बताते हुए अपनी बात रखी है। रोहित शर्मा ने कहा कि इस मुकाबले में हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और हमारा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया, जिसकी वजह से हम बड़े लक्ष्य की बुनियाद नहीं रख सके। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने कहा कि मैच हारने का दूसरा मुख्य कारण यह रहा कि हमारे बल्लेबाज अंतिम ओवरों में तेज गति से रन नहीं बना पाए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने कुछ हद तक टीम को बेहतर स्थिति में जरूर पहुंचाया, लेकिन अंत में हार्दिक पांड्या और पोलार्ड जैसे बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों पर पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी शुरुआत में काफी अच्छी रही, जिसकी वजह से हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब रहे। लेकिन मुझे लगता है कि हार का कारण यह रहा कि जब 19वें ओवर के अंदर मैं डायरेक्ट थ्रो करना चाहता था और वो ओवर थ्रो की वजह से दिल्ली कैपिटल की टीम को वहां पे मौका मिल गया और मुकाबला हमारी टीम की झोली से निकल गया। और मैच हारने का चौथा कारण यह रहा कि मैंने अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए कुणाल पांड्या को गेंद थमाई, जबकि पोलार्ड जैसा विकल्प हमारे पास मौजूद था, जो कि कई बार इस तरह के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को पहले भी बता चुका है कि मुझे पोलार्ड को गेंद देनी चाहिए थी। और उसके बाद अंतिम ओवर में खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा नहीं देखने को मिला जिसके बलबूते ये मुकाबला जीता जा सकता था। तो इस तरह से दोस्तों, रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की टीम की हार के कारण बताते हुए अपनी बात रखी है। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले में किस खिलाड़ी की वजह से हारी है, रोहित शर्मा की कप्तानी या फिर कुणाल पांड्या की गेंदबाजी की वजह से, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। धन्यवाद।